इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के नेशनल हाईवे की देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताएं कि अभी कुछ ही मिनट पहले करनाल नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी का अचानक संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी कई पलटे खाते खाते सर्विस रोड पर आ गई है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि गाड़ी में दो लड़के और दो लड़कियां सवार थे, गाड़ी में एक लड़का और दो लड़कियां सवार थे, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि मौके पर यहां पर वे खड़े थे, लेकिन हमारे आने से पहले वे यहां से भाग निकले हैं। एक लड़का और दो लड़कियां गाड़ी में सवार थे। करनाल नेशनल हाईवे पर यह जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। हम आपको बताएं कि जिलमिल ढाबे के बिल्कुल नजदीक जो है ये गाड़ी आप देख सकते हैं, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, जिसका अचानक संतुलन बिगड़ा और हाईवे से यह गाड़ी कई पलटे खाते हुए यहां पर पहुंची है और चश्मदीद मौके पर है। मौके पर जैसे कि लोगों ने बताया कि उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, जिसके कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और दो लड़की और एक लड़का जो यहां पर अभी मौजूद थे, लेकिन हमें देखते ही वे यहां से भाग निकले हैं। जो लोग मौके पर हैं, सर आप बताएं कहां पर एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? ये जिलमिल ढाबे के साथ ही हुआ जी। जिलमिल ढाबे पे वो सामने फुटपाथ के साथ गाड़ी थी और वहां से एकदम इनने ब्रेक पे बोलता पैर रखा, क्या हुआ, यहां से तीन पलटी खाई इसने, तीन पलटी खाई तो इतने में हम भी पहुंच गए ऊपर। पीछे गाड़ी आ रही थी एक, उसने भी ब्रेक मार ली, देख के जैसे पलटी खाई ना इसने ब्रेक लगा ली है। ब्रेक लगाने के बाद वो तो खड़ा हो गया तो ये बाहर निकले, फिर थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी सिर में, दो लड़कियां एक लड़का था। टीवी रखी थी किसने? हाँ, ड्रिंक वो पड़ी बोतलों में, बोतलें भी गिरी इन्होंने, वो पड़ी है वहाँ पे। तो गाड़ी में शराब पड़ी थी? हाँ, खाली थी। तो ये आप देख सकते हैं कि शराब की बोतलें भी गाड़ी से बरामद हुई हैं, बोतलों को आगे घेर दिया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दो लड़कियां और एक लड़का जो है गाड़ी में बताया जा रहा है, गाड़ी कई पलटे खाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो शराब की बोतलें हैं, बियर के केन हैं, वो यहां पर घेर दिए गए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जैसा कि चश्मदीदों ने देखा कि किस तरह से बियर पीते हुए यह नौजवान लड़के और लड़कियां गाड़ी में आ रहे थे, कहां से कहां जा रहे थे बहरहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जान बची है, हल्की चोटें जरूर आई हैं। एक लड़का और दो लड़कियां जो अभी कुछ ही देर पहले यहां पर खड़े थे, लेकिन जिस तरह से जैसे ही लोग इकट्ठा होना शुरू हुए वे यहां से भाग निकले हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई पलटे खाने के बाद गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। करनाल नेशनल हाईवे पर यह एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हम आपको बताएं कि करनाल नेशनल हाईवे पर जिलमिल ढाबे के सामने कुछ ही मिनट पहले यह गाड़ी जो है हाईवे पर चल रही थी और किस तरह से दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए, जिसमें एक लड़का और दो लड़कियां सवार थे, अचानक गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी कई पलटे खाते खाते यहाँ पर पलट गई। और जिस तरह से मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया किस तरह से बियर के कैंस जो है गाड़ी में पड़े थे और लड़का लड़की जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे पहले उन्होंने बियर के कैंस यहाँ से गिरे और दो लड़कियाँ और एक लड़का यहीं पर मौजूद थे वो यहाँ से निकल गए हैं। गनीमत ये रही, सबसे बड़ी बात यह है कि गनीमत यह रही कि जिस हिसाब से गाड़ी ने तीन चार पलटे खाए हैं, गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, तीनों के तीनों लोग जो है सुरक्षित है। भगवान का शुक्र है कि तीनों के तीनों लोग जो है सुरक्षित है, तीनों के तीनों नौजवान युवा किस तरह से तेज गति से गाड़ी चला रहे होंगे, जिसके चलते आप देख सकते हैं जिसमें गाड़ी में दो लड़कियां और एक लड़का सवार था, गाड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस गाड़ी जो है पूरी तरीके से जो है टूट चुकी है। लाइव तस्वीरों में एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। हालांकि उन तीन, एक जो दो लड़कियां और एक लड़का थे, उन्हें कहीं चोटें तो नहीं आई हैं, लेकिन चोटें तो बहुत आई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं। और मीडिया, जैसे ही मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की वो यहाँ से जो है भाग निकले। एक बार मैं गाड़ी का नंबर भी आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, HR15B7580। जैसा कि हमें लोगों ने बताया जो मौके पर मौजूद थे कि दो लड़कियाँ और एक लड़का जो है इस पर सवार थे और उन्होंने ड्रिंक भी जो है कर रखी थी, बियर की जो कैंस हैं वो पहले ही जो है बाहर फेंक दी गई हैं। एक बार फिर से हम बातचीत करना चाहेंगे आसपास के लोगों से जो मौके पर मौजूद थे। जी सर, कौन कौन था इस गाड़ी में? एक लड़का था, दो लड़कियां थी, हाँ जी, और वो अभी यहाँ बैठे थे, पता नहीं कहाँ निकल गए। कैसे पलटी सर गाड़ी, देखी आपने? वो वहाँ फुटपाथ के साथ थी, वहाँ से तीन पलटी खाती हुई यहाँ गिरी, पीछे कंटर आ रहा था इसी सड़क पे, यहाँ उसने देख के पलटी खा रही ना, गाड़ी ब्रेक लगा ली, पी हुई थी उन्हें वो पड़ी बोतल उनकी, ड्रिंक किया था। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक लड़का और दो लड़कियां जो है गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं गाड़ी पूरे तरीके से आगे से डैमेज हो चुकी है
और हमारी आप सभी से अपील है इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी जरूर करें। जहां एक्सीडेंट्स के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव का जो एक केस आज फिर से एक बार सामने आया है, हमारी सभी से अपील है कि जान बहुत ज्यादा कीमती है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें, गाड़ी को एक लिमिट में लिमिटेड स्पीड पर ही चलाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी गाड़ी भी डैमेज हो चुकी है और वो एक लड़का और जो दो लड़की थे वो मीडिया को देखते ही जो है यहाँ से भाग निकले मौके पर। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से, जहाँ पर एक गाड़ी का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट होता है। मेन रोड से पलटी खाकर जो गाड़ी है तीन पलटियाँ खाकर जो है सर्विस लेन पर आ जाती है। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल हाईवे से, किस तरीके से एक गाड़ी जो है पलटियां खाकर तीन चार पलटियां खाकर सर्विस लेन वाली साइड आ सकती है। गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और मौके पर मौजूद जो लोग थे उनका यही कहना है कि इसमें एक लड़का और दो लड़कियां थी जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। हालांकि बियर की कैंस भी जो हमने आपको लाइव के स्टार्टिंग में दिखाई किस तरीके से बियर की कैंस जो है कार से निकाल करके फेंक दी गई। तो हमारी सभी से ही अपील है इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ एक लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाएं, जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन सबको फॉलो जरूर करें। तो इस समय आपने तस्वीरें देखी करनाल के नेशनल हाईवे की, गनीमत यह है कि दोनों तीनों लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर एक लड़का और दो लड़कियां जो गाड़ी में सवार थे बाल बाल बचे हैं। भगवान का शुक्र है कि तीनों के तीनों सुरक्षित हैं। गाड़ी ने कई पलटे खाए हैं। करनाल नेशनल हाईवे पर यह एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक लड़का और दो लड़कियां सवार थे। जिस तरह से चश्मदीदों ने भी बताया कि किस तरह से गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चला रहे थे और अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और किस तरह से गाड़ी कई पलटे खाते खाते यहाँ पर आ गिरी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ी बड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि गाड़ी में जो तीनों नौजवान थे किस तरह से वे गाड़ी से बियर के केन गिरने के बाद यहां से भाग निकले हैं। हालांकि वे डर कर भागे हैं, लेकिन उसमें हम आपको बताएं कि तीनों के तीनों सुरक्षित हैं। भगवान का शुक्र है कि तीनों के तीनों सुरक्षित हैं। अभी कुछ ही देर पहले यह सड़क हादसा हुआ करनाल नेशनल हाईवे से। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पलटे खाते खाते यहाँ पर आ गिरी है। भगवान का शुक्र है कि तीनों के तीनों सुरक्षित हैं, नहीं तो जिस तरह से गाड़ी बड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अगर उन तीनों नौजवानों ने ड्रिंक कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है, क्योंकि अगर इस गाड़ी के सामने जिस तरह से गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, अगर कोई और गाड़ी आ जाती है पैदल सर्विस रोड पर, दोपहिया वाहन वाला कोई आ जाता या पैदल आ जाता, तो अपने आप में इस गाड़ी की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर, जहां पर किस तरह से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस गाड़ी में एक लड़का और दो लड़कियां बताए जा रहे हैं जो तीनों सुरक्षित हैं। उनको कुछ मामूली चोटें जरूर आई हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तीनों के तीनों सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल नेशनल हाईवे पर, जहाँ पर ये गाड़ी कई पलटे खाने के बाद यहाँ पर पहुंची है। आप ये तस्वीरें इस समय लाइव देख सकते हैं और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर करें। ये तस्वीरें करनाल के नेशनल हाईवे की इस समय आप देख रहे थे। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।